आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को अपवर्क की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, यह सारी चीज़ें। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर आपने पासवर्ड अपना एंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर पहले पहले आपके पास होता है बिलिंग का मेथड, ठीक है। बिलिंग में आना होता है आपने, यहाँ पर वो आप अपना डेबिट कार्ड या बैंक वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिसके जरिए हर मंथ आपके अकाउंट से जो मेंबरशिप की अमाउंट है वो चार्ज होती रहेगी, अगर आप ये करना चाहते हैं तो। मेरा ये वाला कार्ड अटैच है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो मेरे अकाउंट से पैसे हर वीक जो मंथली होते हैं वो नहीं चार्ज किए जाएंगे। और अगर आप भी यहाँ पर कोई मेथड अटैच करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो वो यहाँ पर भी आप लॉग कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास एक ना ऑप्शन है मेंबरशिप का। यहाँ मेंबरशिप और कनेक्ट्स के बारे में बताता जाऊँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर व्यू एंड एडिट पे आप लोगों ने क्लिक करना होता है। यहाँ पर ये बेसिक एक पैकेज है, ये आप लोग अभी इसी पैकेज पर होंगे। 10 कनेक्ट्स पर मंथ आपको फ्री में मिलते होंगे और ये सारी चीज़ें। जबकि अगर आप ऑलमोस्ट $15 लगाए हैं तो प्लस वाला जो मेंबरशिप है वो प्लान आप हासिल कर सकते हैं। अभी मेरा ये वाला है करंटली प्लान, और इसमें मुझे 80 कनेक्ट्स और बाकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ से मैं बाई कनेक्ट्स पे क्लिक करके मैं कनेक्ट्स को बाई भी कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कितने कनेक्ट्स चाहिए। हो सकता है क्योंकि मेरे कनेक्ट्स जो हैं वो 200 की आई थिंक लिमिट होती है, तो उसके करीब करीब है, तो यहाँ पर मैं जस्ट 10 कनेक्ट ही बाय कर सकता हूँ। आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शन आएंगे कि $10 में आप इतने ले सकते हैं कनेक्ट, इतने $4 में, $6 में, सारा यहाँ पर बताया जाएगा आपको। वो करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और कनेक्ट आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रोमो कोड, आप गूगल पे जाए वहाँ पे लिखें प्रोमो कोड, अगर प्रोमो कोड आ गया तो आपको पाकिस्तानी 30-40 रुपए जो है वो बचत हो जाएगी, और आप बाई पे क्लिक करके बाई कर सकते हो। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर आपको बताया जाए क्या बताया जा रहा है कि मेंबरशिप जो है उसमें आपके 80 कनेक्ट्स पर मंथ मिलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को जो है आपके अगेन जो होंगे मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और मेंबरशिप की ये चार्ज लेते हैं ऑलमोस्ट $15 है ये चार्ज करते हैं मेरे अकाउंट से। यहाँ पर कांटेक्ट इन्फो में आता हूँ, तो यहाँ पर कांटेक्ट इन्फो में आपको अपना ईमेल, आपका यूजर नेम, आपका नेम, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल अकाउंट्स की बात होती है। एक होते क्लाइंट अकाउंट, ठीक है, आप क्लाइंट अकाउंट भी आप अपवर्क पर रहते हुए अपने सेलर अकाउंट पर रहते हुए एक और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो न्यू क्लाइंट अकाउंट, जैसे जो बायर अकाउंट होता है वो ओपन कर सकते हैं। एक और आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपनी टीम का, ठीक है, न्यू एजेंसी अकाउंट। इसके अलावा आप अपनी लोकेशन, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर को चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आता हूँ, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट में चेंज, जो टेक्स्ट है ठीक है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब उसका जो फॉर्म वगैरह होता है उसको फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप अमेरिकन नहीं, अगर आप अमेरिकन होते तो आपसे टैक्स भी चार्ज किया जाता। आगे प्रोफाइल में आते हैं, तो प्रोफाइल में यहाँ पर आपको की जो मेन प्रोफाइल है वहाँ पर आप आ जाते हो, ये देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है प्रोफाइल सेटिंग, तो प्रोफाइल सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जब भी अपवर्क आपका अकाउंट ब्लॉक करता है तो वो प्राइवेट कर देता है, तो आपका अकाउंट हर वक्त विजिबिलिटी जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ये आपका कस्टम यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल है, तो आप इसको कस्टम यूआरएल भी बना सकते हो यहाँ से। अभी मेरा अपवर्क का जो यूआरएल होगा वो होगा www.upwork.com/freelancer, और यहाँ पर मैं अपना नेम भी पुट कर सकता हूँ।
जस्ट मैं इतने ही रख देता हूँ, www.upwork.com/freelancer और आगे शाहिद, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो जो होगा ये ऑलरेडी टेकन है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं शायद फाइवर वाला लिख दूँ अगर। अभी मेरी अपवर्क का जो लिंक है वो ये है, इसको कॉपी करके साथ में अगर www.upwork.com और आगे ये वाली चीज में पेस्ट कर दूं, तो मैं अपना यूआरएल, मेरा ये होगा और आप मेरे अकाउंट पर आ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो प्रोजेक्ट रेफरेंस, यहाँ पर आप लोगों ने बोथ करना, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर एक प्राइवेसी होती है जिसमें क्या है कि आप अपवर्क की जो अर्निंग है उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आप ना करें बेहतर है, क्योंकि वजह ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि क्लाइंट आपकी अर्निंग नहीं देख पाएगा और आपको बहुत ऐसे समझें कि बहुत नुकसान है इस चीज में। नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक्सपायर्ड पे क्लिक कर देना, और उसके बाद आपकी जो कैटेगरीज हैं वो ये वाली है, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स। अपवर्क पर रहते हुए आपकी एक तो मेन प्रोफाइल होगी और दो और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक प्रोफाइल ये है वेब डिजाइन और दूसरी है इलस्ट्रेशन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट्स। ये जो मेरा अकाउंट है ये ट्विटर का अकाउंट साथ में अटैच है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट पेड आता है, तो गेट पेड में क्या होता है कि यहाँ पर आप अपना जो पेमेंट मेथड है वो अटैच कर देते हो। यहाँ पर मेरा पेमेंट मेथड अटैच है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा पेमेंट मेथड अटैच। यहाँ पर अभी बैलेंस कुछ नहीं है, पेमेंट डिटेल्स है, ये मैंने पेमेंट विड्रॉ करा ली है यहाँ से, और ये सारा कुछ बता रहा हूँ। नीचे ये मैं एक और पेमेंट मेथड जो है वो कौन सा है, मेरा पैनियर का अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच है। आगे माय टीम्स में आता हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा अभी एजेंसी अकाउंट नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर माय टीम में आपको कोई लोग यहाँ पर नहीं दिखेंगे, जस्ट एक मेरा क्लाइंट ही है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर कॉन्टेक्ट सर्विसेज में आते हैं, तो यहाँ पर गूगल का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी अटैच है, एप्पल का भी मैंने अटैच नहीं किया, करें ना करें कोई इशू नहीं। यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जो अकाउंट है उसका पासवर्ड और सिक्योरिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप ऑथेंटिकेटर ऐप भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप प्रमोट भी पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी रख सकते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है जो आप रखना चाहें। उसके बाद है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ते हैं, आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो सेल्फी होती है वो लेते हैं वो, और उसके बाद देखते हैं अगर वो वेरीफाई हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको वेरीफाई करानी पड़ती है। ये दोनों चीजें मेरी वेरीफाई। नेक्स्ट मेरे पास में जो है वो नोटिफिकेशन सेटिंग है, यहाँ से मैं सेटिंग कर सकता हूँ कि किस किस चीज के मेरे पास नोटिफिकेशन आने चाहिए और किस तरह के मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों जैसे आप लोगों ने guru.com पे देखा होगा, वहां पर कोई भी आपकी प्रोफाइल के साथ अगर जॉब मैच करते तो आपके नोटिफिकेशन आता है कि फलां जॉब आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पर भी अगर आप इसी तरह के सारे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर एक लिस्ट पढ़िए, इस पे क्लिक करते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपको ने किस किस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, और वहीं आपको नोटिफिकेशन ही हासिल होंगे, अदरवाइज बाकी जो होंगे प्रमोशन वगैरह के जो मैसेज होंगे वो आपको नहीं छूंगे। ये था आप लोगों का अपवर्क, और इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का जो आप सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली जो भी पूछना चाहें तो पूछ सकते, आप अपने आप अनम्यूट करके पूछ सकते। जो भी पूछ रहे हैं आप पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम आपसे सलाम। ये पूछना है कि पोर्टफोलियो का ना उसका दोबारा से बता दें, मतलब पोर्टफोलियो हम तो का न्यू ही है दोबारा ना पोर्टफोलियो का, अगर ओके, पोर्टफोलियो को मैं दोबारा से बता दें। हमने यहाँ पर आकर माय प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। प्रोफाइल पर आकर आप लोगों ने नीचे आना है। ये आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर मेरे 19 पोर्टफोलियोज हैं। यहाँ पर मैं दूसरा अगर कोई पोर्टफोलियो ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं टाइटल दूंगा जो भी मेरा पोर्टफोलियो है। रेड कलर मैं चाहता हूँ वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं टाइटल दूंगा वर्डप्रेस। यहाँ पर मैं रिलेटेड लिखूंगा किस मेरी इस प्रोफाइल के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल पे भी बना सकता हूँ और अपनी जो मेन प्रोफाइल है उस पर भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ किस काम के रिलेटेड था। यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर कोई भी रखना चाहूँ। इसके बाद यहाँ पर गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ पर आप गैलरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, केस स्टडी भी और क्लासिक भी, इनमें से कोई टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं गैलरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद गो टू डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जितने भी इमेजेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर लेट मेरे पास अभी ये दो इमेजेस पड़े हैं, मैं इनको अटैच कर देता हूँ। दो तीन इमेजेस मैंने ये अटैच किए। वो इमेजेस अटैच करने के बाद यहाँ पर आप 15 स्किल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस थीम और वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस और जो भी बाकी मेरे पास स्किल्स होंगे मैं यहाँ पर 15 स्किल्स ऐड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का यूआरएल, अगर वेबसाइट है तो उसका यूआरएल होगा तो वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट आपने कब और कैसे कंप्लीट किया, इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट को क्या चाहिए था और आपने क्लाइंट को क्या प्रोवाइड किया। सिंपल ये चीजें करें और गो टू प्रीव्यू पे क्लिक करके आप लोग प्रीव्यू कर सकते हैं। आप लोगों का जो पोर्टफोलियो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, इसमें ये जो सिलेक्ट टेम्पलेट है तो इसमें हम मतलब जैसे उसमें था guru.com में हमने टेम्पलेट्स किए थे, वैसे ही करना है इसमें भी? यहाँ पर टेम्पलेट्स नहीं होती। आप अगर प्रपोजल की बात करें, अगर प्रपोजल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको शो नहीं होगा। यहाँ पर टेम्पलेट वाला कुछ नहीं होगा। सर बैक करें ना तो उधर सिलेक्ट टेम्पलेट की ऑप्शन आ रही थी लेफ्ट वो साइड पे। टेम्पलेट्स पोर्टफोलियो के लिए होती अच्छा, ठीक है। है, वो पोर्टफोलियो। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपका ये जो कोर्स है ये तो कंप्लीट हो चुका है। आप वर्क मैंने करा दिया। तो सर नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, वो जो आपने करवाना था पीडीएफ एडिट का या फिर वर्डप्रेस का करवाएंगे? आप लोगों को उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा फेसबुक और यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा उसकी कोई फी नहीं होगी, वो बिल्कुल फ्री में होगी क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए जितना भी कोर्सेज आप मैं कराऊंगा वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे यूट्यूब और फेसबुक पर। आप लोगों को ग्रुप में आपको लिंक भी हर रोज शेयर कर दिया जाएगा जो भी वीडियो हो।